हेलो एवरीवन। तो कल मैंने कोई व्लॉग नहीं पोस्ट किया। मैंने मतलब एक्चुअली मैंने सोचा मैं एक डे छोड़कर अल्टरनेट में पोस्ट करूँगी और उसके बाद देखती हूँ जैसा रिस्पांस होगा। तो आज एक्चुअली मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है आप लोगों से, बट उसके पहले अभी मैं तो नहा धो चुकी हूँ और आज है वेंसडे है और प्रोजेक्ट बना रही हूँ। बस मौली का आरुष अपना खुद बना रहा है और मैं जो है उसका मौली का बना रही हूँ। बहुत अजीब अजीब से प्रोजेक्ट दे दिए हैं तो थोड़ा सा अभी सिस्टर आ रही है बड़ी वाली 11 तारीख को, तो उसके आने से पहले मैं सोच रही हूँ रिटर्न वाला सारा सब कुछ हो जाए और बाकी रह जाए जो लर्निंग वाला है वो तो मैं कहीं कोने में बैठा के धीरे से लर्न करा दूँगी, बट ये वाला काम मुझे करना है, एक दो दिन में पूरा फिनिश करना है। तो आज थोड़ा प्रिंटआउट्स लेने भी जाना है, बाकी आज का पूरा डे मैं आपको दिखाने वाली ही हूँ। अभी मैं जा रही हूँ विवान को नहलाने, हाँ, तो उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ मेरा ओट्स वाला चिल्ला जो मैं खाती हूँ खाने के साथ, तो वो अभी मैं खाती हूँ। ये ना आ चुका है और ये इसने कपड़े अपने खुद से चूज़ किया है अलमारी से कि मुझे ये पहनना है, और अभी इनके बाल नहीं ठीक हुए हैं तो वो मैं जा रही हूँ करने। देखो विवान कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है? अच्छा बोलो, अच्छा बोलो, अच्छा 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 लग रहा है। ये बोलने भी लगा है, वर्ड्स भी बनाने सेंटेंस बनाने लगा, वर्ड्स कह रही हूँ सेंटेंस बनाने लगा है। बैठ, सिट सिट, सीधे रहो। दिखाओ, अच्छा दिखाओ, सही हुए कि नहीं हुए, देखे अब ठीक है। मैं बलिया तू भी बलिया, देखी तुमने बैन गिरा दिया, और ये अब यहाँ पे बहुत फैला है, फैल जाता है, बार बार बच्चे फैला देते हैं, मैं बार बार सही करती हूँ। और ये देखिए मैंने निकाला है आज जो मैं वीडियो शूट करूँगी, ये इसको मैं अगर एक वर्ड में कहूँ कि ये इंडियन क्ले प्लेटर है, इसमें इंडियन क्ले का ज़्यादा तो नहीं बट मेन चीज़ निकाल ली है अभी, ये एक्चुअली ये और ये हमारा शॉर्ट्स के लिए है। और इसमें अभी मे बी अभी मैं ग्रुप्स ऐड कर दूँ रेड और ब्लैक, तो वो भी इंडियन क्ले वाले ही, और नहीं तो देखती हूँ अगर क्वांटिटी ठीक होगी। इसमें मैंने लिया है ये रेड क्ले है, ठीक है, ये सॉरी रेड क्ले कह रही हूँ, ये रेड बटर है, ये वाइट बटर है और ये येलो बटर है, ठीक है। फिर ये बीच में जो है ये कोल नकुमट है, एंड ये हमारे मोदक रहे, नकुमट मोदक, ये नकुमट के आइज वाले पॉट हैं, और ये है हमारे रोज़ पॉट, और ये हैं हमारे चॉकलेट प्लेट, ठीक है। तो ये है आज का वीडियो का सामान। तो आज बना है घर में राइस जो कि डेली ही बनता है, ये बना है कटहल, ये बेसन वाला कटहल है, इसको बॉईल कट करके फिर बॉईल करके फिर प्याज और लहसुन से छौंक कर मसालों के साथ फिर इसमें बेसन भी ऐड करते हैं और काफ़ी देर तक इसको फ्राई करते हैं, एकदम सूखा सूखा खर खर सा, काफ़ी टेस्टी लगती है ये सब्ज़ी। ये रोटी है, मम्मी पापा को शायद खाना दे रही हैं तो इस वजह से उन्होंने खोल के रख दिया, मैं इसको ढक दे रही हूँ। और ये बनी है केवटी दाल, कहाँ जल गया, केवटी दाल जो कि अरहर और उड़द की दाल को मिक्स करके बनती है। यहाँ पे मैं अपना ओट्स चिल्ला बनाने जा रही हूँ जो मैं खाती हूँ खाने के साथ। ये थोड़ा सा बेसन है, ये स्मेल कैसी आ रही, घी कोई निकाल रहा है शायद, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने बेसन लिया, देन ये रहा ओट्स, ओके देख ही रहे हैं, अभी मैं ये डालूंगी इसमें।
इतना ओट्स ले लिया मैंने। अभी मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा जीरा, बस थोड़ी सी मैं हींग डालूंगी इसमें, और ये गैस में सॉल्ट। तो मैंने सब चीज़ ऐड कर दी है। वैसे मैं इसमें सूजी भी ऐड करती हूँ नॉर्मल चिल्ला में, लेकिन यहाँ पे सूजी की ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी है, इनफ है। इसको मैं मिक्स करके रख दे रही हूँ। मिर्च मैंने नहीं डाली है, मिर्च की जगह मैं इसमें थोड़ा सा किचन किंग मसाला डाल दूँगी, या मैगी मसाला भी डाल सकते हैं। तो मैं किचन किंग डाल दूँगी, और अभी मैं इसको ऐसे ही रख रही हूँ क्योंकि जब मैं खाना खाने जाऊँगी, मतलब स्टार्ट करूँगी, तब मैं इसको बनाऊँगी गरम गरम। अभी मैं इसको ऐसे ही रख के दे रही हूँ। अभी मैं आकर बैठ गई हूँ रूम में टीवी देखने थोड़ा सा, क्योंकि फिर एक्चुअली पूरा दिन बहुत बिजी रहता है। खाना खाने के बाद क्या होता है कि एक बजे के बाद हम लोग जैसे खाना खाते हैं तो लंच करते हैं, उसके बाद क्या होता है थोड़ा सा बॉडी में लेजीनेस आ जाती है, तो 10-15 मिनट लेट जाते हैं। लेटने के बाद फिर अब मुझे तो वीडियो शूट करना होता है, तो फिर मैं उठती हूँ, अपना सारा टीम तबाड़ा लगाती हूँ, और उसके बाद फिर मैं वीडियो शूट करती हूँ। देन थोड़ा सा मौली का काम करती हूँ, शाम को फिर उठती हूँ, चाय वाय बनाती हूँ, और उसके बाद पार्क चली जाती हूँ सब चाय वाय दे के बच्चों को, इन लोगों को, बच्चों को भी लेके चली जाती हूँ। तो बात मुझे ऐसी भी ये करनी थी कि मेरी बात को गलत वे में मत लीजिएगा, मैं जस्ट एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि 2 साल पहले जो हमारे घर में हुआ, जो नए लोग देख रहे होंगे उनको शायद पता नहीं होगा, और बात मुझे एक्चुअली ये करनी है कि 2 साल पहले जो हुआ यहाँ इस घर में, मैं अभी ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करूँगी, क्योंकि इस चीज़ को लेकर बहुत कुछ मेरे साथ भी हुआ है अभी, तो थोड़ा अच्छाई से मेरा ध्यान हट गया है, कि बहुत अच्छाई करने का शौक़ था मुझे, तो अभी थोड़ा सा मैं नॉर्मल हूँ, और कोशिश कर रही हूँ कि खुद पर कॉन्सेंट्रेट करूँ। ज़्यादा भलाई करना भी अच्छा नहीं है किसी की, क्योंकि वो जब पलट के आपको चपत लगाते हैं तो फिर उस टाइम जो हर्ट होता है तो वो अनदर लेवल का होता है। तो बात सिर्फ इतनी सी कहना चाहती हूँ कि देखिए, आजकल जो लाइफ है और जो लोग हैं, मुझे लगता है बहुत सारे लोग, मुझे नहीं लगता एक्चुअली है ऐसा कि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुश नहीं हैं अपनी लाइफ में, बट वो एज अ शेड्यूल, उनकी लाइफ डेली अ शेड्यूल, बस वो उसको पूरा करते हैं। ऑफिस आने वाले हैं ऑफिस गए, घर में रहने वाले हैं तो हाउस वाइफ है तो अपना काम किया, बच्चों में सारा लग गए, उसके बाद एज इट इज़ पूरा डे निकल जाता है। बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ना हमसे कोई पूछता है और ना हम किसी को बताते हैं। तो ऐसे भी आज क्या टाइम है जब लड़कियों ने आवाज़ उठानी स्टार्ट करी है इस चीज़ के अगेंस्ट, कि मतलब जो नई नई शादियां होती हैं, अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो वो आवाज़ उठाती हैं, और देन अगर वो इस शादी से अलग हटती हैं, पीछे आती हैं, तो लोग कहते हैं कि लड़की ने एडजस्ट नहीं किया। तो लोगों की सोच एक्चुअली यही सोच है आज की, कि वो बस चाहते हैं कि लड़की, जो कहावत है ना कि जाए और फिर उसकी अर्थी आए, तो अगर उसकी अर्थी आएगी तो उनको शायद बुरा नहीं लगेगा, बट अगर वो आ गई जीती जागती तो शायद फिर वो ठूठ हो जाएगी आपकी पूरी लाइफ के लिए कि आ गई। तो वही मैं ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, आपके इन लॉज अच्छे हैं, या आपकी जहाँ पर भी शादी हुई, आप जहाँ पर भी रहते हो, आप सिंगल अपने खाली हस्बैंड और बच्चों के साथ रहते हो, या आप इन लॉज के साथ रहते हो, और किसी के साथ भी रहते हो, अगर आप खुश हो, सब कुछ बहुत अच्छा है, तो एक रिक्वेस्ट है मेरी ये आप लोगों से कि प्लीज़ अपनी लाइफ का कभी शो ऑफ मत करिए। क्योंकि मैंने अभी जो मेरे घर में हुआ वो भी देखा, फिर एक अभी चैनल है जिसका मैं नाम नहीं लूँगी, वो देखा, वो मुझे बार बार सजेशन में आ रहा था, बट मैं सोच रही थी कि मुझे क्या, मैं क्यों देखूँ, मतलब मुझे क्यों ये आ रहा है बार बार, ऐसा क्या है। देन उसके बाद जो करीब 10 दिन बाद जो वीडियो आया, वो देख के मैं एकदम शॉक्ड रह गई,
और मैंने बस यही देखा जो फिर मैंने इंस्टाग्राम पर जाकर देखा। मैंने काफ़ी मतलब रिसर्च करी उस मैटर पे, जो हुआ, जो घटना हुई, इंसिडेंट हुआ, तो मुझे यही लगा कि आप अगर अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी हो तो आपको थोड़ा सा उस चीज़ को अंदर छुपा कर दबा कर रखना चाहिए। क्योंकि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लोग बददुआ देते हैं, लोग एक्चुअली अच्छे लोगों की भी नज़र लग जाती है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है आज के टाइम पे जो लोगों को मिलती नहीं है। तो अगर मिलती है तो आप उसका रिस्पेक्ट करिए और आप उसको ज़्यादा किसी को बताइए मत, ज़्यादा किसी को दिखाइए मत, ठीक है। आप खुश हैं, दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है, बट उसका शो ऑफ प्लीज़ मत करिए, क्योंकि नहीं पता कि कब किसकी नज़र लग गई तो बाद में फिर कुछ नहीं बचता है। ये चीज़ मैंने देखी है कि कुछ नहीं बचता है, कुछ भी नहीं बचता है। और जो जिस चैनल की बात मैं कर रही हूँ वहाँ पर इतना ज़्यादा बुरा हुआ है कि मैं अभी अगर मैं बोल दूँगी तो शायद कुछ सब्सक्राइबर होंगे जो देख रहे होंगे उनको पता होगा, तो वो शायद यहाँ पर लिख दें कॉमेंट सेक्शन में, इसलिए मैं नाम नहीं ले रही हूँ। बट वो बहुत बुरा हुआ है, मेरे दिल को बहुत ज़्यादा टच कर गया है, बहुत हर्ट कर गया है। मैंने परेशान हो गई, मुझे रातों में 2-3 रात नींद नहीं आई, क्योंकि मैं मेरे से कोई कुछ भी कहता है मैं हेल्प कर देती हूँ सबकी, और मेरी ये आदत है कि मैं कभी किसी को मना नहीं कर सकती और कर ही नहीं पाती हूँ, ये मेरा नेचर है। और बट अभी क्या है कि थोड़ा सा मैं इस दूसरों की एक्चुअली बाहर के लोगों की जो मेरे घर से नहीं है उनकी एक बार हेल्प करती हूँ, बट अपने घर पे अब थोड़ा सा मैंने हेल्प करना बंद कर दिया है, क्योंकि बहुत ज़ोर का झटका लगा है, बहुत ज़ोर से लगा है। और आप लोग सोच रहे होंगे जब कहते थे कि शॉर्ट्स, मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स जो क्रंच वाले थे, कि आप कहते थे कि हंस के बनाइए, ऐसा लगता है ज़बरदस्ती खा रही हैं, तो बंदा दिल से खुश होना चाहिए ना, तभी तो हंसेगा, ज़बरदस्ती कैसे हंस के बनाएगा बताइए। मैं एडिटिंग कर रही थी और मेरा बेटा देख रहा था बगल में बैठ के, तो कहता है कि ये क्या कर रही हो मम्मा, कैसा मुंह बनाए हुए हो, तो उसने मुझे बोला, तो मुझको ये चीज़ लगी कि हाँ देखो इसने भी ये चीज़ फील करी। तो मैंने कहा बेटा उसके लिए दिल से खुश होना चाहिए, अगर हम खुश नहीं हैं तो हम ज़बरदस्ती खुशी दिखा नहीं सकते। दैट्स वाई इसलिए मैं व्लॉगिंग भी नहीं, मैंने व्लॉगिंग करनी बंद कर दी थी, क्योंकि देखिए आप किसी को अच्छी बातें बताएंगे तो लोग सुनेंगे, आप किसी को दुख बताएंगे तो लोग आपके पास से भाग जाएंगे, तो बेटर यही है कि वो चीज़ आप खुद से हैंडल करिए। तो मैं खुद से हैंडल कर मैंने किया और काफ़ी अभी मैं थोड़ा सा उस चीज़ से बाहर निकली हूँ। तो एक बार फिर से व्लॉगिंग करनी स्टार्ट करी, क्योंकि मुझे बहुत सारे कॉमेंट्स आ रहे थे इस वजह से। तो बस मुझे यही कहना था, और मेरी बात को कभी गलत वे में मत लीजिएगा, क्योंकि मैं कभी कुछ भी गलत ना बोलना चाहती हूँ और ना मैं बोलती हूँ। तो अपनी लाइफ में खुश रहिए, हैप्पी रहिए और चीज़ों को संभाल कर रखिए। तो मैंने अभी बताया था क्लोविया से बहुत सारे नाइटीज़ मंगाई थी, तो उसमें से उन्होंने क्या किया कि मतलब मैंने एक बहुत डार्क पिंक कलर की बहुत प्यारी सी नाइट वेयर ऑर्डर की थी लार्ज साइज़ में, तो उन्होंने क्या किया कि उनके पास रहा नहीं था, लार्ज साइज़ आउट ऑफ स्टॉक हो गया होगा, तो उन्होंने एक मुझे शॉर्ट बिल्कुल नी से भी ऊपर का साटन का, मतलब वो पतला सा पिंक कलर का है ना, समझ रहे हैं ना, नई नई शादियाँ जिनकी होती हैं उनके लिए। मुझे इतनी हंसी आई, मैंने कहा कोई अलग नाइट वेयर में रहते तो मैं पहन लेती, इसको पहन के मैं किसके आगे नाचूं। तो फिर मैंने सोचा कि क्या करूँ, वापस पे मैंने कर दिया, वापस किया, तो अभी ये फिर मैंने उसी नाइटी का मीडियम साइज ऑर्डर किया था, तो ये आ गया है और मैं इसको सोचा कि दिखा देती हूँ आपको साथ में ही, देखते हैं ये साइज़ मुझे फिट होता है कि नहीं। मैंने सोचा कि मंगा लेते हैं, नहीं होगा तो किसी को गिफ्ट दे देंगे, बट वो रखने से तो अच्छा ही था, मतलब वो तो मैं कभी भी नहीं पहन सकती थी। एंड पिछले वाले में भी मुझे कूपन्स मिले थे, इस बार भी मुझे कूपन्स मिल गए हैं 3-3, सो दिस इज़ द नाइट वेयर। मैंने इसको सिर्फ इसके कलर्स की कलर्स कह रही हूँ कलर की वजह से ही मंगाया था,
मुझे इसका कलर बहुत बहुत प्रेटी लगा था और काफ़ी कंफर्टेबल है, आप देख सकते हैं। आई लव इट, इसका स्लीव देखिए। तो ये मैंने मंगाया है मीडियम साइज़ का और ये साइज़ परफेक्ट है, मतलब मुझे अच्छे से आ जाएगा। आप देख सकते हैं कितना क्यूट है। तो दोपहर से अभी हो गया 9 बज गया, मैं गई थी पार्क। आप देख सकते हैं मेरे बाल पूरे ऐसे अंदर से गीले हैं, तो मैं जा रही हूँ अभी हेयर वॉश करने। रात में 9 बजे है, बट कोई बात नहीं, एक्चुअली कल मॉर्निंग में मुझे लगानी है मेहंदी, तो इसलिए मुझे हेयर वॉश करना पड़ेगा क्योंकि ये पसीना नहीं होना चाहिए बालों में। और 8 बजे मेरा वर्कआउट कंप्लीट हो गया था और 1 घंटे से मैं जो है मोबाइल में घुसी हुई हूँ वीडियोज़ देख रही थी और इधर उधर का देख रही थी। तो एक्चुअली मैं यही मेरा टाइम रहता है 8 बजे से 9 बजे के बीच एडिटिंग करने का, बट मैं अभी एडिटिंग नहीं कर पाई हूँ, एडिटिंग करने जा रही हूँ। तो अभी फाइनली बस नहा के बाकी डेली वाला जो है वो करूँगी। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ और नेक्स्ट ब्लॉग, एक्चुअली मैं आज उसके बाद ना ब्लॉग शूट करना भूल गई, मेरा मूड ऑफ हो गया थोड़ा सा, तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा। पार्क में मैं जब रनिंग कर रही थी तो मुझे एक बार ध्यान आया था, बट मैं बहुत हर्ट थी, बहुत ज़्यादा हर्ट थी एक्चुअली। बस इतना बोलूँगी कि हर दिन कोई ना कोई ऐसा कुछ होता है, जो लोग होते हैं वो मुझे हर्ट करते हैं और चले जाते हैं, हर्ट करते हैं चले जाते हैं, फिर चाहे वो घर के लोग हों चाहे वो बाहर के लोग हों। तो एक इंसान हूँ मैं, कितना बर्दाश्त करूँ, अभी लिमिट बहुत ज़्यादा क्रॉस हो रही है। आज का वीडियो यहीं बंद करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।